हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक यूनिक सा ऑयल बनाना दिखाऊंगी, जिससे आपके बालों को डबल बेनिफिट मिलेंगे। एक तो इससे आपके बाल घने, लंबे, मोटे बनेंगे और हेयर ग्रोथ तो बहुत ही फास्ट होगा। दूसरा, आपके बालों की झड़ना, डैंड्रफ प्रॉब्लम, ये सभी दूर हो जाएंगे। तो चलिए इस ऑयल को बनाना शुरू करते हैं। पर इसके पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। इस ऑयल को बनाने के लिए हमें एक एलोवेरा लीफ लेना है और अच्छी तरह से धोकर साफ करना है। आपको ये ऑयल बनाने के लिए फ्रेश जो एलोवेरा है, यानी एलोवेरा के प्लांट के पत्ते ही चाहिए। आप रेडीमेड मार्केट का एलोवेरा इसमें यूज नहीं कर सकते। अब इस एलोवेरा के दोनों साइड के थ्रोन्स को काट कर बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काटना है। ये जो ऑयल आज मैं आपको बनाना दिखाऊंगी, उसे अगर पूरी रात आप अपने स्कैल्प में लगा कर रखेंगे तो आपके बाल बहुत ही जल्द लंबे घने होंगे। एलोवेरा जेल आपके स्कैल्प से डेड स्किन सेल्स को बाहर निकालता है, जो हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करके डैंड्रफ बढ़ाते हैं। ये स्कैल्प की पीएच लेवल को भी मेंटेन करता है, जो हेल्दी हेयर के लिए बहुत जरूरी है। अब एक डार्क ग्लास बॉटल लीजिए और इस बॉटल में एलोवेरा के पीसेस को डालिए। सेकंड, हमें लेना है नारियल का तेल। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ही यूज कीजिए। फिर नारियल का तेल डालकर बॉटल को फिल कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। आप यहाँ पर नारियल के तेल के बदले किसी भी कैरियर ऑयल का यूज कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट में कुछ बूंद एसेंशियल ऑयल के ऐड कीजिए। एलोवेरा ऑयल में एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है और एसेंशियल ऑयल ऐड करने से वो स्मेल चला जाएगा। अब आपको इस बॉटल को 2 महीने तक किसी डार्क प्लेस में, यानी जहां पर सूरज की रोशनी ना पहुंचे, वैसी जगह पर स्टोर करके रख देना है और 2 महीने बाद ऑयल को स्ट्रेन करके यूज करना है। अगर आप तुरंत ही ऑयल को यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, आपको 2 महीने तक इसे डार्क प्लेस में रखने के बाद ही यूज करना है। अब मैं आपको बताऊंगी इसे यूज कैसे करना है। बस इस एलोवेरा ऑयल को लेकर जेंटली अपने स्कैल्प में मसाज कीजिए और पूरी रात रख दीजिए। दूसरे दिन सुबह शैम्पू से बालों को धो लीजिए। पर याद रखिए फ्रेंड्स, आपको इस ऑयल को अभी नहीं बल्कि 2 महीने बाद, जब ऑयल में एलोवेरा का पूरा गुण समा जाएगा, तभी आपको ऑयल यूज करना है, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे अगले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिले। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोस एंड स्टे हेल्दी।